गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। शेयर करके जरूर बताना। तो गाइस, गर्मी तो आज भी बहुत ज्यादा है। दो तीन दिन पहले तो काफी अच्छी बारिश हुई, बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन धूप निकल आई। और गर्मियों में तो क्या होता है, कुछ ठंडा ठंडा मिलता रहे। तो बस मैंने सोचा चलो आज ना कुछ सब्जी तो बना रही थी मैंने, आलू शिमला मिर्च, लेकिन मैं सोच रही उसके साथ ना बूंदी का रायता बनाऊं। वैसे तो खैर बूंदी का रायता सब लोगों को मोस्टली आता ही है, लेकिन सबका जो बनाने का स्टाइल जो होता है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बूंदी का रायता। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता। और ये जो दही है मैंने जमा दी थी, ये खुद ही मैंने अपने घर में खुद ही जमाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो दही है मैं खुद ही घर पे जमाती हूँ। तो और ये जो है मैंने थोड़ा सा इसमें पानी गरम कर लिया था बूंदी के रायते के लिए। तो ये गरम, ज्यादा गरम नहीं किया, ठीक ठीक गरम किया है। अब इसमें जो है मैं बूंदी डाल दी, जितनी आपको भी बूंदी चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये जो बूंदी है मैंने इसमें डाल दी है, तो थोड़ी देर इसको इसमें रहने दूंगी। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी। लेकिन वैसे तो जो बूंदी का रायता है, आपकी इच्छा है आप कैसे बना सकते हैं। मतलब मैं वैसे एक दो तरीके से बनाती हूँ। एक तो जीरे को भून कर फिर उसको उसमें डाल के काला नमक और ये बूंदी रायता सिंपल वे में डाल सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी है कि हरी मिर्ची काट के डालनी है तो भी काट डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। आप भी ऐसा ट्राई करना, आपको भी बहुत ज्यादा यम्मी लगेगा ये बूंदी का रायता। ये दही जो है मैंने अच्छी तरह से फेंट ली थी, तो इसमें डालूंगी मैं काला नमक, और आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मिर्ची जो है ना मेरे बच्चे खाते नहीं है, कमी पसंद है, तो इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे ज्यादा बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब जो है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो ये जो है ना मैंने छोटी सी कड़छी में सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दिया है, और साथ में जो है ये हींग है ये इसमें मैं डाल दूंगी, और थोड़ा सा जो है जीरा है वो भी इसमें डाल दूंगी। जीरा आप भून के भी डाल सकते हैं, पर मैंने जो है इस तरीके से डाला है इसको। तो ये लगा रही मैं हींग जीरे का तड़का। ऐसे हींग जीरे के तड़के की दही भी सिंपल खाओ तो भी बहुत ज्यादा यम्मी लगती है, पर मैंने ये रायते में भी यही ऐसे डालती हूँ। इससे ना क्या होता है कि डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं ये उसमें डाल दूंगी दही के अंदर। तो ये जो हींग जीरे का जो तड़का है वो तैयार है, और मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी। फिर से आ जाएगी फटाफट से ये ढक्कन जो है क्लोज कर दो, जिससे इसकी खुशबू जो आएगी ना, इससे जो है दही जो है बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये जो मैंने दही में तड़का अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये जो बूंदी जो मैंने भिगोई थी ये हो चुकी है सॉफ्ट। तो ये जो बूंदी है मैं इस दही के अंदर ऐड कर दूंगी। तो गाइस, ये जो बूंदी का रायता है ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, और तो उसके साथ ये दही, और साथ में बनाऊंगी चपाती। तो दोस्तों देखना है ये आपको, ये जो मेरी रेसिपी है बूंदी के रायते की, आप लोगों को कैसे लगी शेयर करके जरूर बताना। तो गाइस, बूंदी का रायता जो है वो रेडी है। अब हम खाएंगे आलू शिमला मिर्च के साथ बूंदी का रायता और चपाती। तो मेरे बच्चों को जो बूंदी का रायता है बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। शेयर करके बताना कि किन किन लोगों को बूंदी का रायता अच्छा लगता है। तो मैंने ये अपने स्टाइल में ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मेरा मन था, तो मैं छोटी छोटी सी रेसिपी मुझे शेयर करना अच्छी लगती है आप लोगों के साथ। तो गाइस, बताना कि जो आज का जो ब्लॉग था आप लोगों को कैसे लगा। अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।